A very warm welcome to all the dear student. This is Devanshu Pandey, faculty of current affairs at Major Kursi Classes. आज की क्लास में हम आपके सितंबर मंथ के थर्ड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं. तो चलिए आज जानते हैं कि हम आज की क्लास कैसे शुरुआत करेंगे. कुछ पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं. तो आज की क्लास जो आपकी शुरू होगी वो सबसे पहले आपके इम्पॉर्टेंट क्विजेस से स्टार्ट होगी. आज हम देखेंगे कि इस मंथ के और इस वीक के जितने भी इवेंट्स रहे हैं वो आपके एग्जाम में कैसे आ सकते हैं. दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट शुरू होता है वो है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट्स हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी टू रिव्यू NCC, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक हाई कमेटी को बनाया गया है जो कि NCC के वर्किंग को रिव्यू करेगा. सेकेंड इज नीति आयोग लॉन्चेस शून्य प्रोग्राम टू प्रमोट जीरो कार्बन पोल्यूशन. अब ये देखेंगे शून्य प्रोग्राम क्या है, नीति आयोग ने इसमें क्या क्या चीजें रखी हुई हैं और इसका संबंध आपके एग्जाम से कैसे बन सकता है. उसके बाद इंडिया टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2021, यानी कि भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2021 में भारत में पहली बार आपका वैश्विक बौद्ध सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा. इसकी भूमिका, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे देश के लिए और आप सभी डिफेंस कैंडिडेट के लिए कैसे होगी आज हम जानेंगे. और लास्ट में हम देखेंगे कि अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ओपन टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट का समापन हुआ है, इसमें विजेता कौन कौन रहे हैं और ये खिलाड़ी, ये देश आपके एग्जाम में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. और आज की क्लास आपकी शुरू होगी सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्विज से. तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिया हुआ है जिससे कि आपको सुविधा हो सकेगी और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइए. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड 100% FDI ऑटोमेटिक्स रूट इन विच सेक्टर, यानी कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी गई है. रेलवे सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या फिर एविएशन सेक्टर. तो आप जान रहे हैं कि विगत एक दो वर्षों में आपके प्राइवेटाइजेशन को साथ ही साथ FDI को सभी सेक्टर्स में बढ़ाया जा रहा है. अब बताना कि अभी हाल ही में 100% FDI की स्वीकृति किस क्षेत्र में दी गई है भारत सरकार के द्वारा. तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टेलीकॉम सेक्टर. ठीक है, आप जान रहे हैं कि भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर है और वो भी अगर हम देखें BSNL को देख लें, ठीक है, MTNL को देख लें, तो ये सभी जो है आपके अभी कर्ज में चल रहे हैं, ये नॉन प्रॉफिटेबल हैं. तो इस कारण से भारत सरकार के द्वारा इसमें सुधार लाने के लिए 100% FDI को मंजूरी दी गई है. तो इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए. ओके चलिए आगे बढ़ें. योर सेकेंड क्वेश्चन इज विच कंपनी बिकम्स द लेटेस्ट US कार मैन्युफैक्चरर टू एग्जिट इंडिया, यानी कि अभी हाल ही में अमेरिका की कौन सी कंपनी ने भारत को छोड़ दिया है जो कि कार निर्माता कंपनी है, टोयोटा, होंडा, शेवले या फिर आपका फोर्ड. ठीक है, आपको बताना है कि किस कंपनी ने अब भारत से बाहर जाने का फैसला कर लिया है. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, आप भी जानते ही होंगे कि फोर्ड. ठीक है, अगर आप चारों ऑप्शन पे देखें तो टोयोटा कहां की कंपनी है, जापान की कंपनी है, तो इस प्रकार से तो होगा नहीं. यहां पे आप लिख सकते हैं जापानीज कंपनी. ओके, होंडा जापानीज कंपनी, शेवले अमेरिकन कंपनी और फोर्ड क्या हो गई, अमेरिकन कंपनी. तो शेवले में देखना था और फोर्ड में देखना था. शेवलेट का मार्केट भी भारत से जा चुका है और फोर्ड ने जो है अब भारत से बाहर जाने का फैसला कर लिया है क्योंकि उनको खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है. थर्ड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. जितने भी NDE और CDS वाले एस्पिरेंट है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम 14 नवंबर को होने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए क्योंकि आपका सितंबर मंथ तक के जितने भी करंट इवेंट्स हैं वो सभी आपके एग्जाम में जरूर आएंगे. तो इसको आप ध्यान से देखते रहिए. तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, विच डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर्ड कुशीनगर एयरपोर्ट एज अ कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट, यानी कि किस विभाग ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया है. पहला सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, दूसरा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तीसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं. None of the above. क्वेश्चन
कुशीनगर हवाई अड्डा, ठीक है। कुशीनगर कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ये है सीबीआईसी, सीबीआईसी के द्वारा जो है इसको अनुमति दे दी गई है। अब देखिए आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है, डीजीसीए का क्या है, एएआई का क्या है। तो ये सभी आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड संस्थाएं हैं जो कि अपना अप्रूवल देती हैं। तो इन्होंने जो है कुशीनगर एयरपोर्ट को जो है कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट दे दिया, यानी कस्टम क्लियरेंस उनको मिल गई है। आप जानते हैं कि एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, और जब भी आप आते हैं तो वहाँ पे कस्टम्स ऑफिसर भी रहते हैं जो हर प्रकार से जो है आपके जितने भी इमिग्रेंट्स होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं। तो सीबीआईसी ही ये चीज़ें करती रहती हैं। फिर नेक्स्ट इवेंट हम देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओजोन डे 2021? वर्ल्ड ओजोन डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो देखिए 34th ईयर एंड हीलिंग, दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल, तीसरा ओजोन फॉर लाइफ, और चौथा आपका केयरिंग फॉर ऑल लाइफ। तो ओजोन आपका इन्वायरमेंट डे से संबंधित, इन्वायरमेंट डे आपका हर साल 5 जून को भी मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। उसी प्रकार से ओजोन डे की आपको थीम पूछी गई, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आपकी नोट्स भी प्रॉपर बनती जाए और आप उसको रिवाइज करके अपने एग्जाम में बेहतर करें। अब चलिए यहां तक तो था आपका क्विज, अब आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि पूरे विश्व में और देश में चर्चा में रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला हम अपने डिफेंस से रिलेट करेंगे, और डिफेंस में एनसीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, आप भी उसके शायद कैडेट्स रहे होंगे, अगर नहीं हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में गए हैं या फिर आप क्लास 11th 12th में हैं तो अपने कॉलेज स्कूल में जाके एनसीसी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपके फ्यूचर में। तो देखिए रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। अब देखिए एनसीसी की समीक्षा करना है, एनसीसी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत की आज़ादी के बाद से उसका गठन किया गया, और एनसीसी को आप सेकेंड लाइन फोर्स कहते हैं क्योंकि आर्म फोर्सेस के बाद यही एक ऐसी टुकड़ी होती है कि जो कि किसी भी विषम परिस्थितियों में देश की सहायता करती है। अभी भारत में कुल 13 लाख से अधिक एनसीसी कैडेट्स हैं जो कि स्कूल और कॉलेजों में जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD, जिसको रक्षा मंत्रालय कहते हैं, हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी फॉर अ कंप्रहेंसिव रिव्यू ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। फॉर्मर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बैजंत पांडा विल बी द चेयरपर्सन। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया कि ये जो आपकी समीक्षा समिति बन रही है उसके चेयरपर्सन कौन रहेंगे, तो बैजंत पांडा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और जो पहले आपके BJD पार्टी से संबंधित थे, ओके। उसके बाद इसमें टोटल आपके 15 मेंबर्स रहेंगे, यानी कि इस कमेटी में टोटल 15 मेंबर रहेंगे, विल बी इंक्लूड, जिसमें क्रिकेटर MS धोनी और महिंद्र ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी इसमें शामिल रहेंगे। तो ये थी आपकी एनसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। आप जानते हैं कि एनसीसी सबसे बड़ी संस्था है भारत की, और उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसमें जो पूर्व एनसीसी कैडेट्स हैं और जो अभी वर्तमान में जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको देश के कामों में कैसे लाया जा सके, उनको कुशल कौशल कैसे बनाया जा सके, तो ये कमेटी अपनी समीक्षा करेगी और ये अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के को देगी, यानी कि रक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। तो देखते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी। तो यहाँ पे देखिए आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखें, हिंदी वाले इंग्लिश में हिंदी में देखें, जिससे कि आप अपना नोट्स बना सकें। समिति की विचारार्थ विषय, राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए एनसीसी कैडेटों को सशक्त बनाने के उपायों का सुझाव देगी यह कमेटी। दूसरा, संगठन की बेहतरी के लिए एनसीसी के पूर्व छात्रों की लाभकारी भागीदारी के तरीकों का प्रस्ताव करेगी। एनसीसी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन की सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश है। अगर हम एनसीसी की फाउंडेशन देखें तो 16 अप्रैल 1948 में की गई थी, ठीक है, और एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। 16 अप्रैल 1948, देखिए 1947 में जो है आपका हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके एक साल बाद इसका गठन कर दिया गया, और उसके बाद ये सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है। अब ये जो पुराना संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, अब इसको जो इसकी समीक्षा की जानी है और ये बेहतर कैसे कर सकता है,
ये भी देखा जाना है, जिसमें 15 मेंबर्स रहेंगे, जिसके चेयरपर्सन बैजंत पांडा रहेंगे। साथ ही साथ आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि एनसीसी का मोटो क्या होता है। तो एनसीसी का मोटो होता है आपका यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन और एकता। चलिए आगे बढ़ें। तो दूसरा आपका जो इवेंट है वो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है, तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में आपका शून्य प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि कार्बन के इमिजन को कम करेगा। ओके, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया कि शून्य प्रोग्राम इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और विच इंस्टीट्यूट। सो द करेक्ट आंसर विल बी द नीति आयोग। ठीक है, यहां पे देखिए, नीति आयोग इन कोलाबोरेशन विथ यूएस बेस्ड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, नीति आयोग ने अमेरिका की रॉकी माउंटेन बेस्ड इंस्टीट्यूट के साथ एक करार किया है, कोलाबोरेशन किया है, एंड रिमी RMI इंडिया के साथ लॉन्च अ कैंपेन नेम्ड शून्य। ठीक है, शून्य की पहल करी टू प्रमोट जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाई वर्किंग विथ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस शून्य प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है, तो इस शून्य प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि ऐसे व्हीकल्स का निर्माण करना जो कि आपका जीरो कार्बन इमिट करें। आप जानते हैं कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती चली जा रही है, यानी कि उसका क्षरण होता चला जा रहा है, और सबसे मेन उसकी वजह क्या है, जो हम यानी कि मानव के द्वारा निर्मित जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं उनके द्वारा कार्बन का इमिजन किया जाना। तो कार्बन के इमिजन को कम किया जा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए, ऐसे व्हीकल्स बनाए जाएं, क्योंकि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो पूरे विश्व को जरूरत है कि हम दूसरे अल्टरनेट टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो सकें। द कैंपेन विल प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द अर्बन डिलीवरी सेगमेंट एंड क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आप देखेंगे कि लगभग 2030 तक जितने भी गाड़ियां चलेंगी, मोटर व्हीकल्स चलेंगी, वो सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके कार्बन इमिट इविजन को सबसे कम करेंगी, जिससे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर रहेगा, हाइड्रोस्फेयर रहेगा, वो उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, और हम एक ग्लीन और ग्रीन क्लीन एनर्जी को जो है ले पाएंगे। ठीक है, तो शून्य प्रोग्राम किसके द्वारा पहल शुरू की गई है, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने किसके किसके साथ कोलाबोरेशन किया, तो अमेरिका की आपकी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI के साथ, RMI इंडिया के साथ किया है। चलिए अब नीति आयोग के बारे में जानते हैं कि नीति आयोग है क्या, इसकी स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहां पे, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं। तो आप सभी को पता है कि नीति आयोग ने किसकी जगह ली थी, योजना आयोग की, जिसको हम प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, यानी कि पंचवर्षीय योजना की। इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015 को की गई, 1 जनवरी 2015। इसका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में स्थित है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं आपके, नरेंद्र मोदी, यानी कि जिनको कहते हैं अध्यक्ष। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और अभी की CEO कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके अमिताभ कांत हैं। तो इसी प्रकार से नीति आयोग के द्वारा शून्य पहल की गई है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है, आपके कार्बन इमिजन को जीरो कर देना। ठीक है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो सके। अब चलिए, अब एक कल्चरल इवेंट से संबंधित हम न्यूज देखते हैं, जो कि भारत के वैश्विक इकोनॉमी को और भी बढ़ाएगा और भारत में टूर और ट्रेवल टूरिज्म को बढ़ावा देगा। तो यहां पर आप देखिए, भारत नवंबर में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पे हो गया। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो पहली बार आपका वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने वाला है 2021 में। तो आप कह सकते हैं कि भारत है जो कि 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें कौन कौन से देश आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे देश आएंगे जिनका रिलीजन क्या है, आपका बौद्ध है। ठीक है, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से ही हुई है। इंडिया सेट टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 19 एंड 20 2021 इन नव नालंदा
महाविहार कैंपस इन नालंदा बिहार। तो नालंदा बिहार में से शुरुआत की जाएगी आपकी नवंबर में। द एकेडमिक कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। अब देखिए इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा इसको जारी किया जाएगा। ये सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन करते रहिए और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिए, हिंदी वाले हिंदी में। विल बिकम एन एनुअल फीचर फोर रीजन कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया। देखिए भारत में चार जगह आपकी रीजन कॉन्फ्रेंस होंगी, पहला कहाँ पे, तेलंगाना, दूसरा सारनाथ, तीसरा गंगटोक जो कि आपके सिक्किम में है, धर्मशाला, धर्मशाला कहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश में। एंड एब्रॉड अगर हम बाहर देखें तो जापान में, साउथ कोरिया में, थाईलैंड में और कंबोडिया में विल बी ऑर्गेनाइज इन द रन अप टू द कॉन्फ्रेंस। द रिपोर्ट्स ऑफ दिस रीजनल कॉन्फ्रेंस विल बी प्रेजेंटेड एट द इनॉग्रल ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो देख लीजिए भारत में कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है, विश्व में कहाँ पे मनाया जा रहा है, साथ ही साथ भारत पहली बार है जबकि भारत इस वैश्विक बौद्ध सम्मेलन को आयोजित करेगा 19 और 20 नवंबर को। कहाँ पे आयोजित करेगा, नालंदा बिहार में। और इसका आयोजन कौन करने वाला है, तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, आगे बढ़ें, और भी महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए इस सम्मेलन के बारे में, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन बौद्ध गतिविधियों जैसे शैक्षणिक, सांस्कृतिक संगोष्ठियों, बुद्ध पूर्णिमा, वैसाख जैसे त्योहारों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को बढ़ावा देकर भारत को बौद्ध धर्म का केंद्र बनाना है। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार 21 नवंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाएगा, जिसमें $20,000, करीब 14.5 लाख रुपए का नगद इनाम, एक पट्टिका और एक स्वर्ण मढ़वाया पदक होगा। आप जानते हैं कि विश्व में अगर हम धर्म के अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा धर्म अनुयायी किस धर्म के हैं, क्रिश्चियन धर्म के, क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पे आपका मुस्लिम है और तीसरे नंबर पे आपका बौद्ध धर्म है। तो विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो इस कारण से भारत इस वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के द्वारा उन सभी बौद्ध अनुयायियों को भारत की तरफ आकर्षित करेगा, जिससे कि भारत में भारत का आपका जो ट्रेवल है, टूर है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, वो और भी ग्रो करे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, साथ ही साथ हम उनसे एक कल्चरल और रीजनल टाई अप कर सकें। ठीक है, जिसको हम पीपल टू पीपल एक्सचेंज कहते हैं। तो आप समझ गए कि प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इसमें तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं, अब आज का हम आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके इस टेनिस टूर्नामेंट से। आप जानते हैं कि US ओपन 2021 अभी समाप्त हुआ है, अब इसकी हम कुछ मेन हाइलाइट्स देखते हैं। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। इन द मेंस कैटेगरी डेनियल मेडवेव हैज लिफ्टेड हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी आफ्टर डिफीटिंग नोवाक जोकोविक। तो देखिए अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो डेनियल मेडवेव जो कि आपके रशियन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, उनको हराकर अपना पहला US मेंस सिंगल टाइटल जीत लिया है। और वहीं पर अगर हम महिला एकल में देखें तो ग्रेट ब्रिटेन टेनिस प्लेयर एमा रॉडुकानू ने आपकी कनाडा की लियाल एनी फर्नांडिस को हराकर US ओपन 2021 का विमेन सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो इन सभी प्लेयर्स का नाम आपको याद करना है, ये किस देश से आते हैं ये भी आपको पता करना है। तो देखिए पहला आपके डेनियल मेडवेव जो कि रशिया के खिलाड़ी हैं, जो कि विनर हैं इस बार के US ओपन टाइटल के, और इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम था। इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। ठीक है, फिर अगर हम महिला एकल में देखें तो महिला एकल में आप यहां से देख सकते हैं कि इन द वुमेन्स कैटेगरी ग्रेट ब्रिटेन की आती हैं टेनिस प्लेयर एमा राडुकानू। ठीक है, इन्होंने जो है किसको हराया है, कनाडा की आपकी एनी फर्नांडिस को हराया है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। अभी मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा दूंगा जिससे कि आप एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना सकें। प्रश्न कई बार ये भी पूछा जाता है कि US ओपन 2021 को आपकी जो है ये डेनियल मेडवेव ने जीता है, ये किस देश से संबंध रखते हैं, यानी कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये आपके रशियन खिलाड़ी हैं। तो आपके प्लेयर और उनके
देश का नाम भी आपको पता रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि इन खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता को जीता है, इन्होंने आपके फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता है। तो यानी कि आपको जो विनर है और दूसरा जो रनअप है, रनर अप है, ठीक है, दोनों को ही आपको याद रखना चाहिए। देखिए टोटल प्राइस कितना मिला है, तो टोटल प्राइस विजेता को 57.5 मिलियन मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपकी लिस्ट, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी नोट्स भी बना लीजिए। तो देखिए मेंस में यानी कि पुरुष एकल में डेनियल मेडवेव ने जीता है, रनर अप कौन रहे हैं आपके, नोवाक जोकोविक रहे, ठीक है। विमेंस में मैंने बताया एमा राडुकानु जो कि ग्रेट ब्रिटेन से आती हैं, इन्होंने एनी फर्नांडिस को हराया है जो कि कनाडा से आती हैं आपकी। मेंस डबल्स यानी कि पुरुष एकल में रैम और सेलिसबरी को ने जीता है और रनर अप आपके यही रहे हैं। फिर विमेंस डबल्स में सोतुसुर जैंग ने जीता है, रनर अप आपके ये रहे हैं। मिक्स डबल में आपके क्रोजिक के और सेलिसबरी, इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप जानते हैं कि आपको रक्षा जगत में अगर बेहतर करना है तो आपको एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक ऐसे गाइडेंस का सहारा लेना पड़ेगा जो कि आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सके। इसलिए आप मेजर कर्सी क्लासेस के ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को और भी मजबूत करने के लिए आप हमारी मंथली मैगजीन को परचेज करके अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी क्लास में। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।